हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चौबे स्टडी जोन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही अच्छा एक भर्ती बिहार गवर्नमेंट के तहत निकल के आई हुई है, जो इंटर स्तरीय भर्ती है, यानी कि 10+2 जो लोग पास किए हैं उनके लिए भर्ती है। और इससे जो हायर एजुकेशन वाले हैं, जैसे ग्रेजुएशन, PG तक या MSc कुछ भी किए हैं, तो वो सभी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं और सभी लोग एलिजिबल हैं। पर 10+2 से ऊपर की आपके पास डिग्रियाँ होना ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी कौन सी फॉर्म है और इसमें कितनी कितनी पोस्टों पे भर्ती निकल के आई हुई है, टोटल कितनी पोस्ट है। तो लगभग दोस्तों 11,500 का समथिंग पोस्ट है। और ये जो भर्ती को अप्लाई करने का टाइम है, ये 27 तारीख से ही चालू हो गई है और ये 11 नवंबर तक अपना ये अप्लाई होगी, ठीक है दोस्तों। और उस टाइम तक आप कर सकते हैं, यानी अभी बहुत ज़्यादा टाइम है इसको भरने में। और ये जो भर्ती है दोस्तों, ये सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा भर्ती निकल के आया है विभाग कार्यालयों में, जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के पद है दोस्तों। इसमें हर एक प्रकार के इसमें पद मिलेगा, जैसे कि पथ निर्माण विभाग हुआ, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन अपना विभाग हुआ, गृह विभाग हुआ, आवास विभाग हुआ, इसमें हर एक मतलब डिपार्टमेंट में भर्ती निकल के आई है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और ये देखिए, ये जितनी भर्तियाँ हैं उनकी सब सीटों है, सीटों का मेंशन किया गया है डिटेल्स में कि इतनी इतनी पोस्ट है। इधर जनरल कितना, OBC का, EWS का, EBC का कितना है, सभी चीज़ों का इसमें मेंशन किया गया दोस्तों। तो इसको आप लोग आराम से इसका PDF देख सकते हैं और आप लोग ज़रूर इसको अप्लाई करें, क्योंकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा एक सुनहरा मौका है। जैसे देखिए, श्रम संसाधन विभाग में पोस्ट निकल के आई हुई है, श्रम संसाधन विभाग हुआ अपना, जैसे या अल्पसंख्यक कल्याण विभाग हुआ, पर्यावरण एवं वन जलवायु जो अपना होता है, एग्रीकल्चर रिलेटेड जो होते हैं उससे उस डिपार्टमेंट में अपन भर्ती निकल के आई हुई है, ठीक है दोस्तों। इसी में देखिए पूरे डिटेल्स में मेंशन किया गया है। और चलिए आगे देखते हैं कि इस सारे देखिए टोटल पोस्ट इतना है, जैसे जनरल का 5,064 सीटें हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से टोटल यहाँ पर सीट कितने हैं दोस्तों, तो 11,098 सीटें हैं, यानी कि 11,000 का समथिंग, 11,100 के समथिंग सीट है दोस्तों, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि इसको कब से कब तक अप्लाई करने का डेट आप लोग को पता हो गया, पर इसके लिए एग्ज़ाम फ़ी क्या होगी, एज लिमिट क्या रहेगी, ये सारी डिटेल्स अभी हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो देखिए इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, इसके नोटिफिकेशन है, पर ये हम लोग को पढ़ने के कोई काम नहीं है। अभी अपन देख लेते हैं कि इसमें फ़ी स्ट्रक्चर और एग्ज़ाम डेट कब से कब, सॉरी एज लिमिट क्या है। तो दोस्तों देखिए, इसमें एज लिमिट जो है 1/8/2023 से इसका एज काउंट होगा दोस्तों। और इसके अकॉर्डिंग जैसे कि न्यूनतम आयु आपके पास 18 वर्ष होना चाहिए, और जनरल के लिए कितना होना चाहिए, जनरल के लिए जो एज होनी चाहिए ये 18 से 37 है। अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष चाहिए जनरल महिला के लिए, और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष, और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए कितना है दोस्तों, पुरुष और महिला के लिए 42 वर्ष, ठीक है दोस्तों। इसमें जो एज में छूट मिलती है वो दिया गया है इसमें। अब चलिए अब देखते हैं, एज लिमिट हो गई, अब इसका फ़ी देख लेते हैं, फ़ी स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों। तो इसमें देखिए फ़ी स्ट्रक्चर यहाँ पर टोटल मेंशन किया गया है, जैसे कि सामान्य प्रशासन विभाग पटना, जो भी वहाँ पे इसके ऑफिस है उसके अकॉर्डिंग ये सब कुछ मेंशन किया जाता है, जो भी फीस होती है, चाहे हर एक चीज़। जैसे दिव्यांग अभ्यर्थियों को कोटिवार अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों का छूट अनुमान है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए परीक्षा शुल्क देख लेते हैं, सामान्य वर्ग पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 540 रुपये हैं, अनुसूचित जनजाति बिहार के स्थायी निवासी के लिए दोस्तों कितना यहाँ पर दिया हुआ है, 135 रुपये, सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए जो जनजाति से समान है उनके लिए भी 135 रुपये दिया गया, तथा बिहार राज्य के, सिर्फ बिहार राज्य का स्थायी निवासी के लिए 135 रुपया है, और बिहार राज्य के बाहर के सभी अभ्यर्थियों पुरुष महिलाओं के लिए 540 रुपया, यानी कि जनरल का और अदर स्टेट का दोनों का जो फी है बराबर ही है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं आगे क्या नोटिफिकेशन है इसकी, 27/9 से स्टार्ट है और अपना 11/11 तक आप कर सकते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखिए इसके कुछ जैसे प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस दिया हुआ है, जैसे कि देखिए इसमें सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल साइंस होता है उसको इसमें दिया गया है, इसी के अकॉर्डिंग समसामयिकी है, करंट अफेयर्स हैं, भारत और उसके पड़ोसी देश, करंट जनरल अवेयरनेस रिलेटेड है दोस्तों, जनरल साइंस का है, और इसमें देखिए मैथ का भी क्वेश्चन है, खम है जो है, सामान्य विज्ञान है, गणित है, या मानसिक क्षमता जाँच जो होती है, रीजनिंग होता है, वो दिया गया है इसमें, सॉरी खंड ख में दो ही सब्जेक्ट हैं, जैसे कि सामान्य विज्ञान और सामान्य गणित, ठीक है दोस्तों। आप देखिए खंड ग में क्या है, मानसिक क्षमता का जांच करने का है, ठीक है दोस्तों। और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए, जैसे जनरल के लिए कितना परसेंट आपको होना चाहिए तब आप क्वालिफाइंग हो, 40%, वहीं पिछड़ा का देख लेंगे, पिछड़ा का 36.5%, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, और वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है दोस्तों, वहीं अनुसूचित जनजाति, जातीय जनजाति के लिए 32, महिला वर्ग, सभी महिला वर्ग के लिए 32% और दिव्यांगों के लिए 32% होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। यदि आप सामान्य से हैं तो आपको
40% होना है। ठीक है दोस्तों, ये अप्लाई करने का डेट यहाँ पे दिया हुआ है जो आपको मैं अभी बताया हूँ। ठीक है, और इसमें जो डॉक्यूमेंट लगेगा, आप लोगों को पता है कि फॉर्म भरते होंगे तो फ़ोटो लगती है, अपना आधार कार्ड, चाहे पूरे डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स सब कुछ लगता है। तो आप लोग ज़रूर सभी कागज़ को लेकर जाइए और वहाँ पर एडमिशन कराइए, सॉरी ऑनलाइन कराइए दोस्तों। और दोस्तों चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।